झारखंड की राजधानी रांची दुर्गा पूजा के रंग में रंगी हुई है। चारों तरफ माता का जयकारा गूंज रहा है। पूजा पंडालों की रौनक देखते ही बनती है। हर पंडाल की अपनी खास सजावट है। पंडाल बनाने वाली हर समिति ने कुछ अलग करने की कोशिश की है। इन सब में एक अलग सी कोशिश है नामकुम के दुर्गा पंडाल की, जहां आपको भक्ति में राजनीति का समावेश मिलेगा। पूजा पंडाल में मां दुर्गा और बाकी देवी देवताओं के साथ बिहार के मशहूर राजनेता, पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की प्रतिमा स्थापित की गई है। लालू के चाहने वालों का उनके लिए प्यार ऐसा रहा कि लालू के साथ साथ उनके परिवार वालों की प्रतिमा भी पंडाल में स्थापित कर दी। लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप और रोहिणी सब दिखेंगे आपको यहाँ। पंडाल समिति के अध्यक्ष का कहना है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता, खासकर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम किया, वो तारीफ़े काबिल है। इसलिए राजनीति झांकियां के तौर पर उनके परिवार की झांकियां भी लगाई गई हैं। ये हमारे राष्ट्रीय यादव है, उनकी बहू और उनके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव जी, और ये हमारी राज माता राधा देवी जी और लालू प्रसाद यादव जी, और हमारे तेज प्रताप जी और रोहिणी आचार्य जी जो सिंगापुर में रहती है, उनकी छोटी बेटी। मैं इसके पीछे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि झारखंड भी तो पहले बिहारी था, लेकिन लालू जी ने जो छुआछूत को खत्म किया, ये छोटे और बड़े लोग एक साथ बैठ सके, उन मतलब छोटे लोगों को सर उठाने की शक्ति दिया, तो गरीबों के मसीहा रहे। और छोटे लोगों, जैसे हम लोगों ने दिखाया कि भगवतिया देवी पत्थर तोड़ती थी, जिसको लालू जी की नज़र पड़ी और उसे संसद भवन पहुंचाया, गया से जीती थी, और MLC जो कपड़ा धोती थी हमारे मुन्नी रजक जी, उसको MLC बनाया। तो ये दिखाना चाहता है कि लालू जी ने भी जो मतलब सर उठाने की एक शक्ति दी। कोई किसी को भोजन नहीं पहुंचाता है घर में, तो कमा के खाना पड़ता है, लेकिन लालू जी ने जो शक्ति दी छुआछूत को खत्म किया, भेदभाव को, उसके लिए कलयुग के भगवान से कम हम इनको नहीं मानते हैं, जो आज हम लोग सर उठा के जीते हैं। इसीलिए हम इनको गरीबों का मसीहा और कलयुग के भगवान भी मानते हैं। माता तो उस साइड है ही, बगल में हमारे लालू जी भी हैं, तो हम ये दर्शाना चाहते हैं कि मतलब ये भी मतलब कलयुग में एक मतलब जो शक्ति देते हैं, जो माँ भी शक्ति देती है कि हाँ, ये तो ये भी एक छोटे लोग से जो भेदभाव खत्म की एक शक्ति दी है कि तुम भी कुछ कर सकते हो, तुम भी बराबरी का ये कर सकते हो, बड़े लोगों का एक साथ बैठ सकते हो। तो ये उससे हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई, लालू जी भी कुछ हैं और इनको तो मैं दिल से मानता हूँ। पूजा पंडाल में लगी इन मूर्तियों के पीछे एक पोस्टर भी चिपकाया गया है, जिसमें सभी राजनीतिक हस्तियों का नाम लिखा हुआ है। माता के दरबार में एक राजनेता के परिवार की प्रतिमा का होना आपको कुछ अजीब लगे, इससे पहले ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल 2019 में भी नामकुम में लालू परिवार की मूर्तियां लगाई गई थी, जिसमें लालू यादव को गरीबों के मसीहा और राबड़ी देवी को राज माता बताया गया था। उस वक्त RJD ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे शेयर भी किया था। उस वक्त लालू चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे थे। वक्त बदला, हालात बदले, आज बिहार में RJD की महागठबंधन वाली सरकार है। ऐसे में दुर्गा पूजा के पंडाल में लालू परिवार की मूर्तियों का फिर से लगाया जाना, ये बताता है कि लालू के लिए उनके फैंस का प्यार हर हाल में एक जैसा ही रहेगा।